अस्सलाम वालेकुम नाज़िर, मैं हूं आपके मेज़बान इजाज़ उल हक। आप देख रहे हैं सब गुलिस्तान, यहां पे आज सब्जा रोड पे इत्तेजाज जारी है। लोगों से पूछते हैं इसके बारे में, इनकी वजह क्या है कि किस लिए हड़ताल कर रहे हैं? जी जनाब, सर हम लोग यहाँ पे पुटनी चौक किरानी रोड बहादुर शहीद बदल खान रेंज स्कूल से हम मुश्किली से आए हुए। यहाँ पे उनका जो हड़ताल है वो रमन बिजली के हवाले से वाडा वालों से आज तक 22 दिन हो चुके हैं। अभी तक हम उनका ट्रांसफार्मर नहीं है। हम एक्सएम के पास भी जा चुके हैं कई दफ़ा और वाडा वालों के पास जा चुके हैं। SDO वही शाह है, उसके पास जा चुके हैं। एक्सएम नई मुला बंगुल सही साहब है, उसके पास जा चुके हैं। और जो हम लोग का ट्रांसफार्मर का मुतालबा था वो तकरीबन 2020 जून से लेकर आज तक प्रोसेस में। तो एक दफ़ा गए, उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों का ट्रांसफार्मर तैयार था, हम लोग उन्हें उठा के किसको दे दिए, हज़ारा टाउन वालों। तो हक तो हम लोगों का बनता है, दिन दिहाड़े तकरीबन हफ्ते में लगा और दो दिन में वापस जल जाते हैं। दो तीन दिन के बाद हमेशा 22 दिन के बाद आके ले जाते हैं। हम लोग हर एक के पास गया, एक्सीएन वापडे वालों के पास गए, अप्रोच नहीं है जो हम लोग ला के फार्म लगा सके। हम उस गुजारिश है वजीर आला से, इस वाइज लेडी से गुजारिश है जो हम लोग का 200 वाट का जो है फार्म ला के लगा दे, जब तक नहीं लगाया है जो हम लोग बिजली इधर आता है एक सौ का वोल्ट लगाता है, तीन दिन चलता है फिर धमाका होता है। अब ये एक महीना हो गया हमारा बिजली लगा और बिल भी डबल डबल बेचता है। नलका नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। हमारा बच्चे जो है 10-30 को लग गया है। हम मजबूरी से इधर आ गया, जुलूस लगाया इधर हड़ताल किया मजबूरी से। वापडा वाला आता है, हम लोग को धमकी देता है, बोलता है तुम जाओ पैसा जमा करो। हम 80,000 जमा किया, बोलते हैं 2,00,000 जमा करो फिर लगाएंगे। हमने बोला गवर्नमेंट किस लिए बैठा हुआ है, गरीब का मदद नहीं करता है और हम खो रहे सारा पैसे ले जाता है। फिर वही खराब जनरेटर लगाते हैं, फिर खराब होता है, फिर जलता है, फिर आता है लगाता है, एक दिन भी नहीं चलता है, फिर खराब होता है। इसको हम क्या करें? इसको अभी अगर हमारा बात नहीं सुना, अब कल आएगा दफ्तर में, टायर भी जलाएंगे, इसको भी मारेंगे और इसका शीशा भी तोड़ देंगे। हम मजबूर हो गए, हमारे बच्चे सारा बीमार है, बूढ़े बीमार है, बूढ़े जवान सब लोग परेशान है। घर में नलका भी नहीं है, घर में ऐसी हालत है इंसान का जो है खाना